आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के भीतर होता है। तो टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी 1912 10 अप्रैल वेडनेसडे बुधवार के दिन। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, स्वार्मर थे, इनको बड़ा चस्का था कि मैं टाइटैनिक पे जाऊं। 5 बच्चे, 1 बीवी सबकी टिकट बुक करी। सेविंग थी, जितनी जमा पूंजी थी सारी इकट्ठी करी और टाइटैनिक का टिकट बुक किया अपने 5 बच्चों और 1 बीवी के साथ अपना 60 टिकट। टाइटैनिक रवाना होने से 7 दिन पहले उन्हीं के पास तो कुत्ते में से ने 1 बच्चे को काट लिया। बीवी ने कहा, स्कॉट हम नहीं जा सकते, मैं इसको बीमार हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो तुम ऐसा करो बाकी के 4 बच्चों के साथ टाइटैनिक पे। अब क्लार्क के मन में बड़ी दुविधा हुई, बड़ी धर्म संकट हुआ कि मैं अपने उस बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे। लेकिन मन बड़ा था क्योंकि जिंदगी भर की पूंजी क्लार्क ने वहां लगा रखी थी। सोचता रहा, करूं क्या करूं। अंत में अपने दिमाग में पूछा कि चल छोड़ यार, बच्चे को छोड़कर जाना। जस्ट 5 डेज लेटर मंडे 15th अप्रैल पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक डूब चुका। उसने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कुत्ता जिसको वो 5 दिन से गालियां दे रहा था, ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है ये तुमको नहीं पता। जो होता है अच्छे।